आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने सीएमएचओ आगर मालवा डॉक्टर रमेश चंद्र कुरील को 10,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। सीएमएचओ ने आवेदक डॉक्टर भगवान दास राजौरिया से रुपए मांगे थे। लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान और निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव की टीम ने आगर में उनके निवास पर रिश्वत लेते पकड़ा है। कार्रवाई फिलहाल जारी है। उज्जैन लोकायुक्त टीम के अनुसार आवेदक डॉक्टर भगवान दास राजौरिया शिशु रोग विशेषज्ञ ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन संभाग अनिल विश्वकर्मा को दिनांक 12 जून को आवेदन प्रस्तुत किया कि मेरा संविदा पर आगर जिला अस्पताल में अपॉइंटमेंट है। सीएमएचओ आरसी कुरील द्वारा मेरे विरुद्ध कोई लिखा पढ़ी न करने के एवज में 20,000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन कराया गया जो सही पाई गई। दिनांक 15 जून को आवेदक राजौरिया ने बात की तो कुरील 10,000 रूपये लेने पर सहमत हो गए। आज सुबह डॉक्टर राजौरिया ने जैसे ही 10,000 रूपये उनके शासकीय आवास पर पहुंचकर सीएमएचओ कुरील को दिए तो लोकायुक्त टीम ने उनको तत्काल रंगे हाथ पकड़ लिया। अब कार्रवाई फिलहाल जारी है।